Moi, 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 moi. और ये रही ड्यू भाई साहब, फुल थ्रॉटल पे हूँ मैं, फिर भी ड्यू आगे निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे भैया, चीरते हुए निकल गया ये तो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार एक नए जोश के साथ आ चुके हैं। थंबनेल में देखा होगा आपने, टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो पहले हम करेंगे दो बाइक्स का जो है कंपैरिजन, जो कि बाइक काफ़ी डिमांडिंग बाइक्स रह चुकी हैं अपने सेगमेंट में। भाई पहले होने वाले यामाहा की R15 V3, यहाँ पर यामाहा फैन बॉयज जो है काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं V3 को। और दूसरी तरफ जो खड़ी है वो है KTM की ड्यूक 200 BS6 फेज 2 वर्जन है, इसको BS7 भी बोल सकते हो। इसमें जो चेंजेस हुए थे वो आपको पता है कि LED आप देखने को मिलने लगी, हेडलाइट जो कि 250 में आती थी अब 200 में आ गई। तो भाई कम पैसे में 250 के मजे ले सकते हो आप, 200 ले सकते हो जाके। बाकी यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी चेंजेस नहीं है, ये E20 वर्जन है और अपनी जो R15 है वो BS6 है। और पावर फिगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 155 cc का इंजन मिल जाता है 18 PS के पावर के साथ, और 14 Nm टॉर्क जो है R15 V3 प्रोड्यूस कर देती है। उसी की दूसरी तरफ जो खड़ी है KTM Duke 200, ये कर देती है 199 cc की इंजन के साथ में 26 PS की पावर और 19 Nm टॉर्क जो है ये अप्रॉक्स जनरेट कर देती है। यहाँ पे आपको USD फॉक्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलने वाले हैं। बाकी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इंट्रो में, क्योंकि किसी को इंट्रो में इंटरेस्ट नहीं होता है, होता है इंटरेस्ट तो रेस देखने में, और वही इंटरटेनमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाने आए हैं इस न्यू बीस्ट का अपनी V3 से कंपैरिजन। तो रजनीश भाई का कहना है कि जो बाइक आ रही है उसका हो जाएगा मोए मोए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। पहले मैं चलाऊंगा KTM की ड्यूक 200 BS6 फेज 2 वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे V3 भी टक्कर दे रहे भाई इनिशियल में। ड्यूक अपनी निकल चुकी है आगे और V3 कहाँ तक मौका देगी ये नहीं पता है मुझे, लेकिन टॉप एंड में सबको पता है कि V3 निकल के जाएगी आगे। और काफ़ी गैप मेंटेन कर चुकी है V3 से ड्यूक ने, और विंड ब्लास्ट काफ़ी तेज रहा है इधर से। और ये जो है भाई ड्यूक 200 LED वाली, ये 135 mm मार जाती है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कितना ये जाती है, और 133 जा चुकी है, लिमिटर आ चुका है, लेकिन V3 का कुछ अता पता। अरे भैया, चीरते हुए निकल गया ये तो। ये तो मोए मोए हो गया ड्यूक का भाई, मोए मोए। अरे रुक जा, मोए मोए। अरे ये तो हो गया मोए मोए। गाइस यहाँ पे ड्यूक 200 का मोए मोए हो चुका है, जैसा आप देख सकते हो R15 V3 काफ़ी आगे जा चुकी है और यहाँ पे हो गया मोए 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 मोए। V3 भाई मौका दिया मुझे, और V3 कहाँ है पता नहीं, देख नहीं रही है फिलहाल। ये रही भाई साहब, चुम्मा दे के निकल रहा है भैया, ये तो मोए मोए हो गया।
मेरा नहीं हुआ है, ड्यूक 200 का हुआ है। तो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा है कि यार खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद में भी जो है बस इनिशियल KTM अच्छा देती है, वही यहाँ पे हुआ। और ड्यूक 200 जो है यहाँ पे इनिशियल पावर में अच्छी है और R15 जो है टॉप एंड में। एक बार राइडर भी स्विच कर लेते हैं, राउंड टू करके देखते हैं। राउंड वन की विनर जो है ड्यूक 200 है और राउंड टू की देखते हैं अब कौन विनर होती है। यहाँ पे निशल में अरुण भाई पे अगर अच्छे से लॉन्च की जाए और गियर फंसा थोड़ा सा मेरा, लेकिन ज़्यादा देर का नहीं। शीशा बंद करो, आवाज़ आ रही है बहुत तेज यार, देख सकते हो डोक अभी आगे है। अभी देखते हैं कितना गैप मेंटेन करती है ये, और 139 जा चुकी है ये, 142 ये रही। मौज कर दी, विंड लाइट बहुत ज्यादा इधर से, और ये रही ड्यूक भाई साहब, फुल थ्रॉटल पे हूं मैं, फिर भी ड्यूक आगे निकल गई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 143 44 VVA टेक्नोलॉजी ऑन, 145 yeah, that's the power of VVA, इसे बोलते हैं VVA की पावर, 147 yeah, ड्यूक पता नहीं कहां है, और ये स्लिम स्विमिंग कर रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं है, और मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ चीरते भागते हुए, सबको टाटा बाय बाय कर दिया मैंने। हाँ मजा आ गया गाइस, तो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा कि फिर से ड्यूक 200 का मोए मोए हो गया, और ये कहाँ से फंस गया है गाइच, अरे गाइच ये यहाँ से फंसा था गाइच। हाँ कि उठ नहीं सकते थे। तो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा कि फिर की R15 जो है धीरी रेस का घोड़ा है, जो कि धीरे चलता है और काफ़ी तेज आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे इसकी टॉप एंड अभी देखा आपने 147-148 निकल के आई, और यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो 135 पे ही है, और 135 पे ये लॉक है। तो कैसी लगी वीडियो है कमेंट करके बताना, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है दबा दो, और कमेंट करो कि कौन सी बाइक आपकी फेवरेट है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।